नमस्कार, मैं हूँ मोनिका राठौर और आप देख रही हूँ वॉइस ओवर। इस हफ्ते अपडेट आपको बता दें कि राजधानी के जर्जर और गड्ढों में तब्दील सड़कों को लेकर कांग्रेस ने रविवार को करुण चौराहे पर अनोखा प्रदर्शन किया। जब कांग्रेस ने गड्ढों का नाम भाजपा नेताओं के नाम पर रखा, किसी को मामा गड्ढा नाम दिया तो किसी को प्रभारी मंत्री गोपाल भार्गव के नाम पर गोपाल गड्ढा, नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के नाम पर भूपेंद्र गड्ढा और नरेला के विधायक और चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग के नाम पर विश्वास गड्ढा के नाम पर नामकरण किया गया। इस अनोखे नामकरण के दौरान पंडितों ने मंत्रोच्चार के साथ इन गड्ढों का नामकरण किया, इनका बकायदा पूजन किया गया। इस मौके पर ढोल भी बजे और युवाओं ने नाच गाना भी किया, एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। कांग्रेस ने सड़कों की जर्जर हालत के लिए भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को जिम्मेदार बताया। प्रदेश कांग्रेस सचिव मनोज शुक्ला ने गड्ढों का नामकरण किया। उन्होंने कहा कि एक हालत भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार का नतीजा है। इंदौर की खस्ता हाल सड़कों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बयान और कवि सत्यनारायण सत्यन के भ्रष्टाचार पर लिखी गई कविता के होर्डिंग और पोस्टर भी लगवाए गए। शुक्ला ने कहा कि भोपाल समेत प्रदेश में बारिश ने शिवराज सरकार के विकास और स्मार्ट सिटी के नाम पर करोड़ों के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर दिया। जरा सी बारिश ने ऐसी सड़कें भी गड्ढों में तब्दील हो गई जो चंद महीनों पहले बनी थी। ऐसी सड़कें जो इस हाल में 3-4 बार बन चुकी है, ये भी चलने के लायक नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि गली कूचों से लेकर शहर की सड़कों को बनाने का ठेका भाजपा नेताओं की कंपनी और उनके ठेकेदार कर रहे हैं। इसलिए सड़कों के निर्माण में न गुणवत्ता और न ही निगरानी भाजपा सरकार में ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। छोटे से कार्यकर्ता से लेकर बड़े नेता तक जनता को लूट रहे। मंदिर मस्जिद हिंदुस्तान पाकिस्तान जैसे मुद्दों को सामने रखकर भाजपा के नेता जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वास्तव में जनता में इनके खिलाफ गुस्सा है। शुक्ला ने कहा कि अधिकारियों को मंच पर बुलाकर डांट फटकार और सस्पेंड करने की नोटिंग करने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में सड़क बनाने वाले भाजपा के ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाए। तो इन थी सबकी अपडेट। इसी तमाम जानकारी और अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी पर। जय हिंद, जय भारत।